हेलो दोस्तों, मैं रमेश, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लवली जी के ट्रिक पर। आज का जो हमारा वीडियो है रेशियो पर है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आए वाले प्रश्नों की। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखे होंगे लगभग एग्जाम के अंदर, लेकिन जो इन्हें करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही सबसे अलग होने वाला है। चाहे आप जहां मर्जी वीडियो देख लेना या किसी किताब के अंदर कंटेंट देख लेना, लेकिन हमारा जो तरीका है बिल्कुल ही कुछ ही सेकंड, जैसे 15 या 20 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि ए और बी के आय का जो अनुपात है वो 3:4 है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप एक बार देखिए। ए और बी के जो आय का अनुपात है वो 3:4 है और दोनों के खर्च का जो अनुपात है 2:3 है। हर एक की बचत 200 रुपए है, मतलब कि प्रत्येक जो है वो 200 रुपए बचाता है। तो ए और बी की आय अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ये ए और बी हो सकता है, यहाँ पे राम श्याम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, लेकिन हमें जो इसे करने का तरीका वो सबसे पहले देखिए क्या है। ए और बी के जो आय का अनुपात है हम क्या देखेंगे यहाँ पर, आय, ठीक है। आय का अनुपात कितना है, 3:4 है। देखो, इसको करने के दो तरीके, एक तो है जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जाऊंगा वो, और साथ ही में इसका बेसिक। तो सबसे पहले हम बेसिक को समझेंगे। बेसिक अगर आपने समझ लिया तो ट्रिक भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दोनों के जो खर्च का अनुपात है, खर्च, ठीक है, बोले तो क्या एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसका जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। कितना है जी, 2:3 है। और जो हर एक है वो 200 रुपए की क्या करता है, बचत करता है। तो बचत कितने की है, 200 रुपए। बचत कितने की, 200 रुपए। ये भी 200 रुपए बचत करता है, ये भी 200 रुपए बचत करता है। देखो, अगर हम बेसिक से इसकी बात करें तो आय को हमने मान लिया 3x और 4x। आय को हमने क्या मान लिया, 3x और 4x यहां पर आय मान ली हमने, ठीक है। एक आप थोड़ी सी चीज सोच करके मुझे बताओ। देखो, अगर मान लो आप एक दिन की आय कितनी है, 500 रुपए। आय कितनी एक दिन की आपकी, 500 रुपए, ठीक है। उसमें से आपने क्या किया, 200 रुपए बचा लिए। क्या कर लिए, 200 रुपए बचा लिए, मतलब आपकी बचत है। आप कहीं पर भी काम करने गए, ठीक है, आपने 500 रुपए कमाए दिन भर में और 200 रुपए आपने ले जाकर के घर पे दे दिए। तो उसके बाद में जो बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, 300 रुपए क्या होगा, खर्च होगा। मतलब ये 300 रुपए आपने कहीं ना कहीं क्या किए होंगे, खर्च किए होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है सीधा सीधा कि आय में से अगर मैं माइनस करूं इसको, बचत को, तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, खर्च प्राप्त होगा, ठीक है। वैसे ही हमें क्या करना, देखो आय कितनी है, 3x, ठीक है, और बी की आय कितनी है, 4x। अगर इसमें से मैं बचत को घटा दूं, बचत कितनी है जी, 200 रुपए है, ठीक है, यहां पर भी 200 घटा दिया, तो जो मेरे को प्राप्त होने वाला वो क्या होगा, खर्च प्राप्त होगा, एक्सपेंडिचर प्राप्त होगा। एक्सपेंडिचर कितना है, 2:3 में, ये कितना है, 2:3। ये इसका बिल्कुल बेसिक तरीका है। हल करेंगे तो 3 ऊपर यहां पर गुना हो जाएगा और 2 कहां पर गुना हो जाएगा, यहां पर गुना हो जाएगा, तिरेक गुना बोलते हैं इसे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 9x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। यहां पर बात करें तो 4 × 2 = 8, और ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 9 × 8 और इधर 8x, तो इधर आएगा तो क्या बच जाएगा, एक्स अकेला बचेगा। 600 माइनस कर देगा प्लस का हो जाएगा, तो 600 में 400 कितना बच गया, 200। तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 200। अगर एक्स की वैल्यू 200 है तो आय क्या थी, 3x और 4x, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 600, और ये क्या हो जाएगा, 200 × 4 = 800। तो ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने क्या बेसिक से किया। अगर बेसिक आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देख सकते हैं बेसिक को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिक। अब जो ट्रिक है वो क्या है, हम जितना बेसिक में टाइम लगा रहे हैं ना, इससे भी बहुत कम टाइम के अंदर हमारा आंसर आने वाला है। इससे भी बहुत कम हमारा टाइम लगेगा और हमारा आंसर मिलने वाला है। कैसे, देखो आपको क्या करना है, तिरेगुना करना है सेम वैसे ही। तो ये क्या होगा, 3 × 9, ठीक है, ये क्या होगा, 4 × 8। अब नीचे वैसे गुणा करना, तो ये कितना होगा, 3 × 6, तो ये 600, ये 2 × 2 कितना हो गया, 400। हमारे को क्या मिलेगा, 600 400। अब हमें क्या करना, अंतर देखना है। ऊपर अंतर देखेंगे, 9 में से 8 गया कितना, वैसे 1 यूनिट। ऊपर वाला जो अंतर है वो बराबर होगा हमेशा नीचे वाले अंतर के, तो 600 में से 400 गया कितना बच गया, 200। तो 1 यूनिट हमारी किसके बराबर में होगी, यहां पर 200 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 200 है, तो आय कितनी थी, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 600, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, 800। तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो क्या है, ए और बी के आय का जो अनुपात है वो 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर जो है, 4:3 है। उनकी जो बचत है, ठीक है, उनकी जो सेविंग्स है वो कितनी है,
2000 और 1000 रुपए, तो ए और बी की क्या है हमें आय ज्ञात करनी है। तो फिर से हम वही तरीका लगाने वाले हैं, ठीक है। जो इनकम का रेशियो है वो कितना हमारे पास 3:2 है, साथ ही में जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उसका जो रेशियो है वो कितना है यहाँ पर 4:3 है। वो जो सेविंग्स है वो कितनी है 2000 और 1000 रुपए। तो अब जिसको ये तरीका समझ में आ गया वो वीडियो रोक करके एक बार ट्राई कर सकता है, आप 500 बहुत ही क्विकली आने वाला है। अगर आप फिर भी एक बार समझना चाहते तो देखिए 3×9=9 कितना हो गया 8। ऊपर का अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 यूनिट बराबर में किसके होने वाला है ये 2 कितना हो जाएगा ये 6000 और ये कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। तो 6000 और 4000 का अगर हम अंतर देखें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 2000। तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी होने वाली है 2000। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2000 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3×6000, हमें सिर्फ गुणा करना है यहाँ पर, और ये भी 2 कितना हो जाएगा 4000। तो जो ए और बी की आय वो 6000 और 4000 हमारे को मिल चुकी है। इसके बाद में हम बात करें तो थोड़े से इससे जो हाई लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, मान लो जैसे SSC CGL CHSL में जो क्वेश्चन आते हैं उनके हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ए बी और सी के जो खर्च का अनुपात है, जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 16:12:9 है, ठीक है। 16:12:9 है, साथ ही में उनकी जो कुल आय है वो 1530 रुपए है। तो एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है 16:12:9 है, ठीक है। और जो कुल आय या टोटल जो इनकम है, ठीक है, वो कितनी रहेगी हमारे पास 1530 रुपए, ठीक है। बी की आय ज्ञात करो अगर वे 20% 25% और 40% की बचत करते हो, ठीक है। ये कितने की बचत करता है 20% की बचत करता है, ये करता है 25% की बचत, और ये वाला करता है 40% की बचत करता है, ठीक। अब देखो हमारे पास क्या है कि हमें अगर कुल आय दे रखी है तो आपको पता होना चाहिए क्या कि हमारे पास कुल आय का अगर रेशियो होगा तो हम जोड़ के इसके बराबर रख देंगे, ठीक है, जैसे हम पहले इस फॉर्म में करते आए हैं। लेकिन हमारे पास कुल आय नहीं है, आय के साथ में क्या हमारे पास एक्सपेंडिचर का तो रेशियो दे रखा है लेकिन बचत हमें परसेंटेज में बता रखी है कि ये तो 20% बचत करता है। इसको हल करने का तरीका देखो, अगर एक ही हम बात करेंगे वो 20% बचाता है, ठीक है। तो आप परसेंटेज को सबसे पहले इसमें बदलोगे, फ्रैक्शन वैल्यू में बदलोगे, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 20% 1/5 होता है। अब ये कैसे आया तो इसके लिए सबसे पहले आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आपको मैं सिखा देता हूँ यहाँ पर क्या होगा 20%। जैसे ही हम परसेंट को हटाते हैं तो बटा में क्या आ जाता है 100 आ जाता है। तो किसी वैल्यू को काट करके छोटा करना, किसी वैल्यू को काट करके छोटा करना उसका फ्रैक्शन रूप होता है, उसका भिन्न रूप होता है। 20 × 1 और 20 × 5 = 100, तो काट के छोटा किया कितना आ गया भिन्न रूप इसका 1/5, तो यही इसकी भिन्न रूप होती है, ठीक है। अब नीचे वाली जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है कुल होती है, कुल या वास्तविक संख्या बोले तो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आय है हमारे पास तो कुल आय यहाँ पर कितनी होगी एक ही जो है 5 होगी, 5 में से अगर वो 20% की बचत करता हो तो जो 5 का 20% है वो कितना होगा 1 होगा, 5 का जो 20% है वो कितना होगा 1 होगा। ये वैल्यू ऐसे चलती है हमेशा, जो 5 का 20% है वो 1 होगा, तो 20% मतलब 1 की बचत की, तो खर्च कितना करेगा जी 4 करेगा, ठीक है। जो खर्च एक्सपेंडिचर वो कितना होगा 4 होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बी की, तो बी जो है वो 25% क्या करता है सेविंग करता है, 1/4 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन। अब 4 में से 25% बचाता है मतलब 1 बचाता, खर्च कितना करेगा वो 3 खर्च करेगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें सी की, तो सी का हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो सी जो है 40% बचाता है, तो 40% कितना होगा 2/5, तो 5 का 40% कितना 2, 5 में से 2 गया कितना बच गया 3, यहाँ पर क्या बच गया खर्च बच गया। अब ये जो रेशियो है हमारा ये भी क्या है 4:3:3, ये भी किसका है खर्च का रेशियो है, और खर्च का रेशियो हमारे को सवाल में देखकर कितना 16:12:9। अब इनको बराबर कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। ए का जो यहाँ पर खर्च का रेशियो कितना 16 और यहाँ पर कितना है 4, तो 4 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। वैसे अगर मैंने यहाँ पर गुणा किया तो गुणा मेरे को यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 5×20, तो ए की जो आय का रेशियो है वो कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। ए और बी सी, बी सी के आय का रेशियो यहाँ पर कितना आ गया ए का जो है 20 आ गया, एक आंसर मिलेगा हमारे को। उसके बाद हमें दूसरा फाइंड करना है, तो दूसरा जो है बी का जो खर्च का रेशियो कितना 12, लेकिन यहाँ पर कितना 3, तो 3×4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 4 से बना तो यहाँ पर भी 4 से बना, तो ये रेशियो कितना आ गया आय का रेशियो जो है 16 आ गया। नीचे वाले हमेशा मैंने आपको बताया क्या कि आय के कुल जो भी होता है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया 16 आ गया। उसके बाद में बात करें तो सी का जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए सी का जो यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 3×3 कितना है ये 9,
ठीक है। तो ये 9 3 से यहां पर गुणा करेंगे, 3 से यहां पर गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहां पर ये रेशियो कितना आ गया 15 आ गया। अब देखो टोटल आय का जो रेशियो है वो कितना आ गया ये वाला, इसको जैसे हम जोड़ेंगे तो 20 10 30 10 40 और ये कितना आ गया 51। 51 को अगर हम बराबर करते हैं यहां पर तो ये कितना हो जाएगा 1530। तो जैसे करेंगे तो ये की वैल्यू कितनी आ गई 30 रुपए। हमारे को निकालनी किसकी आय है, तो हमें बी की आय ज्ञात करनी। तो बी का जो आय का रेशियो है वो कितना 16 है। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 की 48 कितना हो जाएगा 480 रुपए। तो बी की जो आय है वो कितनी हो जाएगी 480 रुपए हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एबीसी की कुल आय जो है वो 6060 रुपए है, उनका जो खर्च है वो 80% 85% और 75% है। अब देखो पिछली बार क्या था बचत का प्रतिशत था, लेकिन अब की बार क्या हुआ खर्च जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे को परसेंटेज में दे दिया गया। तो करना हमें सेम वैसे ही है, यहाँ पर बचत का अनुपात रहेगा 5:6:9 है। देखिए खर्च जो है 80% है, ठीक है, ए का खर्च कितना है 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/5 होती है जैसे आप हल करोगे। तो 5 का 80% मतलब 4 वो क्या करता है खर्च करता है, तो बचाएगा कितना 1 यूनिट बचाएगा, कितना वो 1 यूनिट बचाएगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही हम बात करें बी की यहाँ पर, तो बी जो है 85% क्या करता है खर्च करता है, तो 85% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 17/20 कितनी हो जाएगी 17/20 20 में से अगर 85% 17 खर्च करता है तो बचाएगा कितना 3 यूनिट। सी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 75% को खर्च करता है मतलब कि 3/4 4 में से 3 अगर वो खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना वो 1 यूनिट। सेम वैसे हमने कर लिया। अब देखो बचत का जो रेशियो है वो हमारे को क्या देता है 5, 6 और 9 देता है 5, 6 और 9 5, 6 और 9। तो एक की वैल्यू अगर 5 हमें करनी है तो क्या करना पड़ेगा 5 से गुणा, तो यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे तो पंच पंच कितना आ जाएगा 25। नीचे हमेशा आपको बता देता हूँ मैं क्या होती है आय होती है जब भी हो, ठीक है। तो आय का जो एक ही आय है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 25 आ जाएगी। एक ही जो आय है वो कितनी आ जाएगी 25। वैसे हम बात करें क्या होती है 2 × 6 = 2 से हमने यहाँ पर गुणा किया तो यहाँ पर भी 2 से करेंगे हो जाएगा 20 × 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें ये कितना है 9 और इसको अगर हम गुणा करेंगे 9 जो कि कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। जैसे हम इन सबको टोटल करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 101 यूनिट और 101 यूनिट बराबर में किसके 6060 रुपए के। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60। और हमें ज्ञात क्या करना है कि हमें एक ही आय ज्ञात करनी है, एक ही जो यूनिट की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 की ये कितना हो जाएगा 150, तो टोटल कितना आ जाएगा 1500 रुपए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि 5625 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है और बी को जो है ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है। तो ए बी का हमें धन ज्ञात करना है। देखिए ए को जो है बी प्लस सी से क्या है आधा धन मिलता है, आधे का मतलब क्या अगर इसको 2 धन मिलता है तो इसको 1 धन मिलता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल बेसिक है समझ गए होंगे आप। उसके बाद में देखो बी को ए प्लस सी से, बी को जो है ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है, 1/4 का मतलब आप यहाँ पर 4 रखो, ठीक है। तो 4 का अगर मैं 1/4 करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना मिलता है इसको धन 1 मिलता है। आप चाहो तो इसको ऐसे आप हल कर सकते हो या चाहो तो इसको अनुपात की वैल्यू में लिख सकते हो, लेकिन अगर हम इसको ऐसे रखते हैं एक बार, ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी टोटल ये है और यहाँ पर कितना 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद में इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये भी ए प्लस बी प्लस में सी है और टोटल वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 5 यूनिट आ रही है। अब देखो इससे पहले हमने जो मिशन वाले क्वेश्चन किए थे तो देखो यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी 3 है और यहाँ पर 5 है, दोनों वैल्यू तो बराबर होने चाहिए ना, सेम ए बी सी है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 5 से गुणा और यहाँ पर किससे 3 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 5 से मैं गुणा करता हूँ तो यहाँ पर बाहर तो अंदर भी 5 से गुणा होते हैं, 5 × 5 और 1 कितना 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ठीक है। बाहर 3 से गुणा करते अंदर भी 3 सी है 3 × 3 और 1 कितना 3 × 12 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 15 और यहाँ पर भी कितनी आ गई 15 आ गई। अब हमारे को ए बी सी का अनुपात मिल चुका है। अब देखो टोटल वैल्यू कितनी है 15 यूनिट है और लेकिन सवाल के अंदर हमारे को क्या दे रखा है कि 5625 रुपए में बांटा गया इसको, ठीक है। तो 5625 रुपए 15 से अगर हम काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15 × 3 = 45, ठीक है, 45 और क्या हो जाएगा 112 बन जाएगा यहां पर, तो 15 × 7 कितना हो जाएगा 105, 7 × 5 बच गया 15 × 5 = 75। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 375 रुपए। हमें किसकी निकालनी है वैल्यू,
ए प्लस बी का धन ज्ञात करना, तो ए प्लस बी, ए का धन कितना है 5 और प्लस में बी का धन कितना है यहां पर 3, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8 यूनिट। तो हमें एक यूनिट की वैल्यू 375 पता है, तो 8 यूनिट की वैल्यू के लिए 375 से गुणा कर देंगे, तो 8 5 40 असल 4 और 56 और 4 9 60 का 0 असल 6 और 8 24 और 6 कितना हो गया 3000। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 3000 रुपए हो जाएगा। इसके बाद हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 710 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है, कितने रुपए हैं 710 रुपए को एबीसी में इस प्रकार से बांटा गया कि ए को बी प्लस सी से, सॉरी ए को बी से 40 ज्यादा और सी को ए से 30 ज्यादा मिलते हैं, ए को बी से 40 ज्यादा ठीक है और सी को ए से 30 ज्यादा मिलते हैं। अब हमें देखो बी का अगर हमें पता लग जाए तो हम इसका बता सकते हैं, इसका बता सकते हैं, लेकिन हमारे को बी का नहीं पता तो हम मान लेते हैं बी का धन कितना है x है। अगर बी का धन हमने मान लिया कि x है तो a का कितना हो जाएगा x प्लस में 40 और c का कितना हो जाएगा x प्लस में 70, क्योंकि 40 के अंदर हम 30 जोड़ते हैं 70 बन जाएगा। अब टोटल जो धन है वो एबीसी के पास कितना आ गया x x x, तो ये टोटल कितना आ गया 3x, साथ में 40 और 70 कितना होता है 110 होता है ठीक है। लेकिन रियलिटी के अंदर धन कितना दे रखा है 710 रुपए दे रखा है, तो यहां से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा 600 और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 200 रुपए। अगर x की वैल्यू 200 आती है तो b का धन कितना हो जाएगा 200 और a का कितना हो जाएगा 240 ठीक है और c का कितना हो जाएगा 270, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।